तो ये अपनी लाडो रेडी है, उस साइड भाई पंकज भाई की मर्सिडीज रेडी है। ये क्या था? ये तो बहुत इजी ले गया मैं देख ले भाई। आज अपने ब्लॉग चैनल के ऊपर भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए ना, तो ये जो मैं करवा रहा हूँ ये अपना 1 मिलियन सब्सक्राइबर का सरप्राइज है। अबे देखते कितनी आगे ले गया, फिर भी ले जाऊंगा मैं। हैप्पी बर्थडे पप्पू मामा, धन्यवाद भांजे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत आप सबका आज के व्लॉग में। तो गाइस, कल के व्लॉग के एंड में मैंने बोला था कि आज मैं करने जाऊंगा ड्रैग रेस अपनी BMW Z4 के साथ, जो कि हमारी लाडो की सेकंड ड्रैग रेस होगी। तो जो बोला था भाई वो करने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग रेडी है ड्रैग रेस करने के लिए निकल रहे हैं। मैं, विनय, मिकी माउस और बल्लू, या बल्लू भी आ गया काफी दिन की छुट्टी काट के, तो अभी हम लोग चारों जा रहे हैं। मैं जाऊंगा BMW लेके और ये पीछे XUV में आ जाएंगे। और किसके साथ है ड्रैग रेस, कौन सी गाड़ी के साथ है, वो तो फिर आप चलो साथ साथ, आपको पता लग जाएगा आगे। इंस्टा बाय, आज हम ड्रैग रेस करने जा रहे हैं, बता कौन जीतेगा, बता। कह रहा है मुझे नहीं पता, मेरे को भी लेके चलो। बल्लू तू जाएगा मेरे साथ? गाड़ी में बैठने से पहले जल्दी से राम राम, जय श्री राम। सारे भाई भाई राम राम कमेंट कर दो, अभी निकलते हैं। वैसे आज गाड़ी साफ नहीं हुई थी, पर फिर भी साफ है। थर्सडे है ना आज, थर्सडे को गाड़ी साफ वाला आता नहीं। लो भाई अपनी लाडो में बैठ गए। तू कहता है तेरी राइड नहीं हुई अभी तक, अब हो जाएगी तेरी राइड अच्छे से। ठीक है, अभी तो आ गया मैं बक्के। भाई ये रही हमारी दूसरी लाडो, XUV में आ रहे हैं शिवम और विनय। भाई पिछली बारी ड्रैग रेस जीत के ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रखा है पूरा, तो आज भी मेरे को ये लगता है कि मैं ही जीतूंगा। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ कि कौन जीतेगा ड्रैग रेस, तुम्हारा भाई जीतेगा ना। बाकी तो देख लेंगे आज क्या होने वाला है क्या नहीं, पर पिछली रेस जीत के मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है गाइस। भाई देख सकते हो आप लोग, अभी गाड़ी चल रही है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, बढ़िया रोड है भाई, एक नंबर, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, स्मूथ और प्लेन रोड है बिल्कुल। सामने जा रही है भाई अपनी XUV 700। तो गाइस ड्रैग रेस की लोकेशन पे बस पहुंचने ही वाले हैं, और जैसे मैंने बताया था ना कि अपनी लड्डो के अंदर मॉडिफिकेशन भी करवाएंगे हम लोग, तो आप लोगों ने बहुत सारी कमेंट करी, बहुत सारे सजेशंस दिए कि भैया ये करवाओ, वो करवाओ, ऐसे करवाओ, ऐसे मत करवाओ। तो आज हम अपनी लड्डो में मॉडिफिकेशन करवाने भी जाएंगे ड्रैग रेस के बाद, तो देखते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन चूज करी है और कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस करवाएंगे अपनी Z4 के अंदर। आप लोग देखते रहना, लेकिन पहले करेंगे ड्रैग रेस जीत के फिर जाएंगे मॉडिफाई करवाने अपनी गाड़ी को। तो गाइस फाइनली हम अपनी ड्रैग रेस की लोकेशन पे आ गए हैं। आज हमारी रेस है पंकज भाई के साथ, पंकज भाई की मर्सिडीज खड़ी है उधर। आज BMW वर्सेस मर्सिडीज है, है ना, XUV थी उस टाइम, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में था कि XUV जीतेगी, वो खड़ी XUV पीछे, लेकिन इस बार मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ कि BMW जीतेगी। जीत सकती है भाई, क्योंकि थोड़ी कॉम्पैक्ट है। देखते हैं बाकी क्या रहेगा, बाकी देखते हैं। जैगवार वाली रेस देखी थी मेरी? जैगवार वाली नहीं देखी मैंने, वो देखा था, थंबनेल देखा था तुम्हारा, लेकिन रेस नहीं देख पाया। कौन सी जीती थी? BMW जीती थी। दिस वन भाई। पंकज भाई ये कब लिखवा रहे हो अपनी गाड़ी पे? भाई ये जल्दी लिखवाऊंगा भाई, पहले तुम अपने मेरे चैनल पे है ना भाई, रुको रुको रुको, मेरे चैनल पे ना बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो रजित भाई कहेगा मेरे को भी सब्सक्राइब कर लो यार अपने ब्लॉग में, सब्सक्राइब कर लो, फिर पंकज भाई राम राम लिखवा लेंगे। पंकज स्वीटी ब्लॉग, स्वीटी पंकज ब्लॉग सर्च करोगे आ जाएगा भाई, स्वीटी भी आई है उरी गाड़ी में, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, फिर मैं भी जल्दी राम राम लिखवाऊंगा। गाड़ी का नाम क्या रखा? और गाड़ी का नाम भी नहीं रखा अभी, रख लो तुम, कर दो नामकरण आज, चलो मैं कर दो, पापा करा करा चाचा थोड़ी कर दो कर दो। मेरा तो मेरे को तो मम्मी ने सजेस्ट किया था ये नाम। अच्छा, तो भाई फिर आंटी जी के पास, मैंने तो ऑडियंस को छोड़ दिया था कि ये नाम रखो, फिर मम्मी ने सजेस्ट किया कि ये रखते, तो ठीक है भाई, फिर ये तो हमें आंटी जी के पास ही चलना पड़ेगा यार। रचित भाई आंटी जी से बात करके हमारे को बता दे रही हो सकता है। अभी स्कूल की छुट्टी हो रही है भाई, स्कूल की बसें जा रही है, ये देखो वो गई 3 बस, और ये सामने से आ रही, ये सारे स्कूल के बालक पहचान लेते हैं भाई, अभी देखना अभी देखना। हेलो 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 चलो भाई मर्सिडीज देखते हैं कैसी है। ये सामने की लुक है भाई, रेड हुड के साथ कन्वर्टेबल मर्सिडीज है, C300, आज C300 वर्सेस होएगी अपनी Z4। इंटीरियर देखते हैं। हेलो कैसे हो? ये कैसे होएगा पीछे? अच्छा हो गया। ये देखो भाई ये मर्सिडीज का इंटीरियर वैसा ही है ना, इसका जो ए वाली थी थोड़ा थोड़ा उस टाइप का ही, सही है, मस्त है। तो आज आपका कैसे आना हुआ?
रेस देखने आए हो? हाँ, रेस देखने आई हूँ। पंकज की रेस देखने आए हो? पंकज जी जीतेगा। पंकज को चीयर करने के लिए चलो देखते हैं। पंकज का सपोर्ट सिस्टम साथ में है। चलो देखते हैं आज आपका सपोर्ट कितना काम आएगा। तुम तो अपने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अंदर बिठा के लायो भाभी को। बिल्कुल भाई, हमें कौन सपोर्ट करेगा भाई? भाई कतूरिया तुम मैंने सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, तेरे कोई सपोर्ट है रचित रोजा। तू मेरे को सपोर्ट करेगा, रचित रोजा जीतेगा। हाँ बिल्कुल। तो भाई फाइनली इतनी सारी बसें जो थी स्कूल की सारी चली गई है, अभी लग रहा हमें अपनी अब कोई बस नहीं आएगी, शांति हो गए। तो अभी हम फाइनली अपनी रेस करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो भाई 1 2 3 कौन करवाएगा? योगेश, योगेश करवा देगा 1 2 3। मिक्की और बल्लू तुम एक जना बीच में खड़े हो जाना, एक एंड में खड़े हो जाना, ठीक है? तू बीच में हो जाएगा, तू एंड में खड़े हो जा। तेरे साथ मैं हूँ, तू मेरे साथ आ जा अंदर भाई, तुम्हारे साथ स्वीटी है, ठीक है भाई? डन है भाई, रेस स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी गाइस एक्सयूवी लेके विनय गया है आगे छोड़ने के लिए, एक ऋतिक एक मिक्की। मिक्की हो जाएगा एंड में खड़ा और ऋतिक हो जाएगा बीच में खड़ा। और ये भाई, ये हमारा टकला भाई योगेश, ये करवाएगा रेस 1 2 3 करके स्टार्ट। तो ये अपनी लाडो रेडी है, उस साइड भाई पंकज भाई की मर्सिडीज रेडी है। तो गाइस हम अपनी रेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। भाई योगेश आगे से स्टार्ट कर, आगे से ऐसे कर देख, 1 2 3। ये तो मैं जीत गया, ये क्या सीन है भाई, ये क्या करा? बहुत फर्क है दोनों गाड़ियों में। ये तुम फुल लाए थे? हाँ। हैं? हाँ, उतने में टाइम लग गया पता नहीं क्यों। मेरे को लगा कि तुमने पता नहीं क्या कर दिया। उतने में टाइम लगा पता नहीं, स्पोर्ट्स प्लस पे ही हो रही है। भाई मैंने तो उस पे कर रखी है नॉर्मल, स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स प्लस नहीं लगाया। प्लस पे थी पर उतने में टाइम लगा। चलो एक बार यहां से लेते हैं। तो भाई फर्स्ट राउंड आपने देखा, BMW लेगी और बहुत इजी। मैंने तो हंगा भी नहीं लगाया कुछ। बीच में तो मैंने छोड़ दी थी रेस, ऐसे ही ले गया मैं तो। ऐसा लगा है ना, अजीब सा लगा कुछ कि बिल्कुल ही पावर ना उस गाड़ी में। देखते हैं भाई, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई हो। अभी नेक्स्ट राउंड करके देखते हैं। यहाँ से मत करो। हाँ भाई, हाँ यहाँ से नहीं, वहीं से करते हैं। हाँ सामने से कोई उल्टा आ रहा होगा फालतू में। सेकंड राउंड करेंगे, सेकंड राउंड लगा ले। तो भाई फर्स्ट राउंड हो गया अपना, अभी सेकंड राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। योगेश भाई, लेट्स द रेस बिगिन। चलो भाई चलो चलो। रेडी रेडी भाई, 1 2 2। यार क्या कर रहा है? पंकज पहले लेके जा रहा है। नहीं भाई, रॉन्ग चीटिंग। 1 2 3। अबे देख देख कितनी आगे लेगा, फिर भी ले जाऊंगा मैं। ओ भाई ये तो बड़ा इजी टारगेट है यार मर्सिडीज तो। ये देखो गाइस, देखा आपने रेस में क्या हुआ? पंकज मेरे आगे आ गया था बिल्कुल, फिर भी मैंने हॉर्न मार के साइड से निकाल दी। पंकज भाई दे दी थी मेरे को लगा कि जैसे वो 1 2 3 पे उसने रुकवाया था ना पिछली बार, मेरे को लगा इस बार भी वैसे ही रुकवा देगा। नहीं नहीं नहीं, चलो कोई नहीं, मोड़ते हैं वापस, अब गाड़ी बदल के ट्राई करते हैं भाई। तो भाई इस ड्रैग रेस के सेकंड राउंड में भी अपनी लाडो ही जीती, जैगवार तगड़ी टक्कर दे रही थी। मर्सिडीज में पावर कम है मेरे को लग रहा है। सेगमेंट भी तो अलग हो गया ना यार। हाँ, ये जी वैगन वाला बंदा कौन आ रहा बार बार। तो भाई मर्सिडीज को 2 बार हरा दिया हमने, अभी पंकज भाई हमारी गाड़ी चला के हमसे रेस लगाएंगे। गाड़ी एक्सचेंज करके रेस हो रही है भाई। चलो ठीक है भाई, अब देखते हैं मर्सिडीज चला के भाई, आज देखते हैं कि हम जीत पाएंगे। स्वीटी तुम्हारा सपोर्ट काम नहीं आया यार, अब आएगा तो हम इस गाड़ी में बैठ के। सही कह रहा था, यही होगा, ऐसी गाड़ी उल्टी देके दूसरी लेके आओ अब तुम। तो गाइस ये है भाई पंकज की मर्सिडीज C300।
हमने अभी गाड़ी एक्सचेंज कर लिया है क्योंकि बिल्कुल टक्कर नहीं दे पा रही है गाड़ी Z4 को। तो पंकज कह रहा है एक राउंड गाड़ी चेंज करके करके देखते हैं। देख रहे हो अपनी लाडो कितनी सेक्सी लग रही है खड़ी हुई। चलो भाई बेल्ट लगा ली, सेफ्टी फर्स्ट, रेडी भाई। हाँ तो पंकज तो नकली ड्राइवर हाँ करना भाई, करना ऑन करना, शीशा हटाना। अगर मैं मर्सिडीज से भी जीत गया फिर तो खत्म ड्राइवर घोषित। चलो देखते हैं भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। Let's go. नहीं जाने देगी भाई ये मर्सिडीज, क्या ही है देखियो, फुल पंजा दाब रखा है, फुल सब कुछ कर रखा है, फिर भी देख मर्सिडीज देख कितनी पीछे, लाटो देख कितनी आगे चल रही है, देख ये भाई अपनी Z4 की पावर, भाई क्या बीस्ट लग रही है यार चलती हुई। ओ भाई साहब भाई भाई कितनी प्यारी लग रही है ये गाड़ी चलती हुई आगे पीछे से। हाँ भाई साहब मान गए भाई तुम्हारी गाड़ी को, चलो मोड़ते हैं फिर मोड़ते हैं। पावर कम है भाई इसमें, उसमें तो बहुत पावर है भी ना यार। मैं कह रहा हूँ वो इसको ये स्पोर्ट्स प्लस में चला, वो इसको इको पे भी हरा देगी मेरी वाली, तो जो मेरे को फील हुआ। भाई पंकज भाई को बोलना पड़ेगा इसको दे के कोई स्पोर्ट्स कार ले गया वो बढ़िया सी दूसरी। थैंक यू, आपकी सपोर्ट काम नहीं आई मेरी आई यार, मैं तो भाई इसकी सपोर्ट काम है। मैंने तो पहला राउंड जीतते ही ना गई, दे दे 1000 रुपए दे जल्दी। योगेश कतुरिया ना सुधरे कितने जिंदगी में भाई, मदर जा कतुरिया जा, तू उतना टेंशन दे दी ट्रैक रेस करा गए। हां भाई तुम क्या करेगी, भाई ना तेरे भाई तुम भाई तुम फ्यूजन वाले भाई पे जाओ आज ही चल रहे हैं, और नुगा भाई ऐसी गाड़ी दो जो जो रेस में जीत जाए, रेस में जीत जाए। फिर वो पैसे ज्यादा मांग लेंगे उतने है नहीं, दिक्कत ये भी तो रही है भाई। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, एक तो होता कि टक्कर आ रही थी, चलो चलाने में फील हुआ ना, तुम्हें चलाने में फील हुआ ना, एकदम से इस पे शिफ्ट हुए फील हुआ ना, कैसे जा रही है रोक के। अरे अब की बार ना रचित पहले आगे निकला था थोड़ा सा, कोई नहीं भाई अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा भाई पंकज भाई को हरा के। भाई आ जाओ भाई, चलो तो गाइस फर्स्ट ड्रैग रेस हमने जैगवार से करी थी वो भी अपनी लाडो ने जीती थी, और सेकंड ड्रैग रेस आज हमने मर्सिडीज से करी वो भी अपनी लाडो जीती। तो गाइस लाडो 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 हो रही है भाई, कति खंडा रखा सबकी में भाई, स्वाद आ रहा है कति। अब तो ऐसा मन कर रहा है कि जितने भी अपने यूट्यूबर भाई है भाई सब आओ यार रेस करो, रेस करने में मजा आएगा भाई, आओ भाई कमेंट कह रहा, मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे भाई, जो जिन भाई लोग के पास फोन नंबर है वो फोन कर दो भाई कि रेस करते हैं भाई, करेंगे भाई मजा आएगा भाई, सारे भाई लोगों को भाई ओपन, वो है ओपन चैलेंज नहीं बोलूंगा, ओपन एक इनविटेशन बोलूंगा कि आओ भाई ड्रैग रेस करते हैं सारे भाई लोग मिलके, कोई चक्कर नहीं है भाई, मजा आ रहा है। आज लाडो जीत गई फिर से, आज मजा आ गया। तो भाई धूप वाली लोकेशन से अभी हम आ गए छाव वाली लोकेशन में, बढ़िया भाई। अभी मैंने छत खोल दी भाई, तुम भी खोलो छत, रील बनाओगे रील। ये भाई तुम्हारी गाड़ी भी होगी कन्वर्ट है ना ये रबड़ में, ये चेंज करवा लो भाई, तुम गाड़ी चेंज करवा लो तुम। मैं बोल तो रहा हूँ योगेश ने बढ़िया सजेशन दी जिंदगी में पहली बार। अच्छा इसमें पीछे वैसे बंदे नहीं बैठ पाएंगे ना, पर भाई ठीक है पीछे बड़े स्पेस है, वो सीट बहुत देखो ना आगे कितना गैप दे रखा है। अच्छा हाँ ठीक है फिर तो सही है, चलो भाई कुछ रील वील बना लेते हैं। अब एक देखो यहाँ से देखो भाई, तुम ये राम राम लिखा है यहाँ भी लिखवा लो, कितनी सेक्सी लगेगी यार, एक नंबर। तो भाई आज बड़ा मजा आया हमें ड्रैग रेस करके, पंकज भाई ने लास्ट टाइम अपनी मर्सिडीज से मेरी एक्सयूवी को हराया था, तो मेरी बदला ले लिया, मेरी एक्सयूवी ने मेरे को बोला कि पंकज को छोड़ना नहीं है, मगर कोई ना दोनों गाड़ियां समय लगेगा, पर एक्सयूवी पीछे खड़ी होकर कहती ठुकरा के मेरा प्यार, पीछे खड़े होकर पूरी रेस देखी है हमारी गाड़ी ने। भाई आ रहा है क्या ड्रैग रेस में, आ रहा है क्या, आजा कद्दे आजा ड्रैग के विनय भाई, एक रील बनाना यार। कितने सीसी है तेरी, कितनी है मेरी, बेरना मेरी तो 10 सीसी है भाई, मेरी की गिनती नहीं है 1000 सीसी है, 1000 सीसी है, बजा के दिखा दे एक बार, स्पोर्ट्स मोड लगा
भाई ये इसके जितना पागल हरामखोर हरामजादा आदमी कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जो साइकिल पे घूम रहा है ना, ये एक नंबर का कार्टून है, जोकर है, सर्कस वाला। देख देख देख, अब पंकज की रील बना रहा है, अच्छी खासी इसकी रील की ऐसी तैसी कर दी, मारने इसके अच्छी खासी रील की ऐसी तैसी कर दी इसने। जय श्री राम भाई, बाय बाय भाई, गाड़ी बदलवा के जल्दी मिलते हैं भाई, तुम अपनी गाड़ी बदलवा लो अब। योगेश का भाई मुंह सड़ गया है, देख रहे हो, देख देख देख, कतील लुगाया की तरिया रूस गया। ठीक है पंकज भाई, बाय बाय भाई, भाई छत बंद कर ले इन्हें भी अपनी, और मारी भी होगी छत बंद। भाई कौन सा आ रहा है तुम में से? तू आ रहा है, तू आ रहा है, तू आ रहा है क्या? कौन सा आ रहा है? दोनों लड़ लो पहले, एक दूसरे को मार कूट के फिर आओ। भाई मैं तो ड्रैग रेस करने के लिए घर से ऐसे आ गया था बिना कुछ खाए हुए, तो अभी हमने अपनी सुपर कार रोक लिया है, अभी मैं खाऊंगा वेज बिरयानी, और सामने छोले कुलचे वाले अंकल से हमने ले लिया है एक गिलास रायता। मिर्ची डाल दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, दो तीन डाल देना। तो गाइस ये रही भाई वेज बिरयानी, बढ़िया मिर्च विर्च प्याज वगैरह के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली हमें रायता नहीं मिला, भैया कह रहे कि रायता खत्म हो गया है। बाकी गाइस मेरी ना आदत है दही और रायते के बिना, मैं जब भी कुछ भी खाता हूँ ना, मतलब मन सा नहीं भरता, बचपन से आदत है ना दूध दही और रायता खाने की, इसलिए। तो भाई घर से निकलने से पहले मैंने बताया था ना कि ड्रैग रेस करने के बाद हमें जाना अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन के लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने डाउन टाउन डिटेलिंग वाले भैया के पास, उनके पास जाके आज अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन करवाते हैं, और देखते हैं क्या पता आज हमें अपनी लाडो छोड़नी पड़ जाए, पता नहीं यार क्या होगा, चल के बात करते हैं भाई। बाकी मैंने बता दिया उनको कि भाई 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो कह रहे थे आ जाओ भाई आ जाओ। तो भाई आ गए हम लोग ट्विन कार केयर्स में, ये रे भाई लोग, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया भाई। तो आज अपनी गाड़ी मॉडिफाई होने जा रही है, बढ़िया भाई, छोड़नी पड़ेगी गाड़ी नाना, बस अभी साइज ले रहे हैं। और फिर ठीक है, मेरे को ना डर हो गया था, मगर आज गाड़ी छोड़ के तो जानी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, हम इसका आज डिटेल्स लोगे, मतलब गाड़ी की डिटेल्स ले लेंगे पूरे, कैसे कैसे स्टिकर्स लगाने हैं, तो रिवील नहीं करना अभी, क्या कर रहे हैं? ओके बस ये है कि मॉडिफाई करवा रहे हैं, बढ़िया भाई आप पे छोड़ दिया है, बिल्कुल आप पे छोड़ दिया है, एक नंबर बना दो इसको, मतलब ऐसी बना दो किसी ने देखी ना हो, आपको जब आओगे ना आप पहचान नहीं पाओगे आपकी गाड़ी है। अच्छा पक्की बात है। चलो भाई अब अगला पर्दा इस गाड़ी का यहीं हटेगा फिर, है यहाँ से पर्दा हटाएंगे और अपनी गाड़ी मॉडिफाई होकर निकलेगी मस्त। अभी भाई साइज ले रहे हैं, तो भाई लाइटिंग वाइटिंग अब सही लग रहा है, उस दिन तो भाई बैंकेट लग रहा था ये, है ना, डिटेलिंग स्टूडियो लग रहा है। अभी देख लो भाई अपनी गाड़ी का नाप लिया जा रहा है, ये मैंने नया लिखवाया, ये सही लग रहा है ना, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अच्छा अपनी मॉडिफिकेशन जो होगी उसमें ये तो ऐसे ही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं हटेगा ना भाई, ये नहीं हटना चाहिए भाई, हटाया नहीं जा सकता, ये नाम हटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल इससे तो हम है, इससे हम है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब लग रहा है जबरदस्त भाई ये, वैसे इसको क्या बोलते हैं, स्टूडियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिटेलिंग स्टूडियो, स्टूडियो बोलते हैं ना, सलून ऑफ कार, जैसे हम सलून में जाते हैं ना अपना फेशियल कराने, अपने खुद की ग्रूमिंग करते हैं, गाड़ियों की ग्रूमिंग होती है। आज तुम इसको ऐसा ग्रूम कर दो कि बस मैं ही ना पहचान पाऊँ। तो जैसे आज आप इसमें डिटेलिंग्स वगैरह ले रहे हो अपनी, हाँ। फिर आप गाड़ी कब लोगे मेरे से? गाड़ी हम आपसे लेंगे मोस्ट प्रोबेबली चार दिन बाद। चार दिन बाद ये गाड़ी लेंगे मेरे से, और फिर कब वापस मिलेगी? एक दिन के लिए चाहिए। एक दिन में ही हो जाएगा, हाँ। काम? अच्छा चार दिन जो तुम ले रहे हो उसमें पूरी प्लानिंग करोगे? उसमें पूरी प्लानिंग, पूरे ग्राफिक्स बनेंगे, सारे डिजाइन बनेंगे, डिजाइन बनने के बाद उसको एप्लीकेशन के लिए अपने को एक 24 आवर्स का टाइम चाहिए। गाइज हमने एक्चुअली डिसाइड कर रखा है कि क्या डिजाइनिंग अपनी गाड़ी की होनी है, दो दिन ही लेके चलो क्योंकि सेरेमिक भी तो होनी है, हाँ, उससे पहले एक दिन सेरेमिक वो भी होगी भाई, पीपीएफ भी तो होगी, पीपीएफ नहीं हो पाएगी क्योंकि पीपीएफ के ऊपर स्टिकर्स लगेंगे नहीं ना, ये इसलिए पीपीएफ की जगह सेरेमिक कर रहे हैं। अच्छा ग्राफिन कोटिंग होगी, समझ गया फर्स्ट जे ग्राफिन कोटिंग, उसके बाद इस पे स्टिकर्स लगेंगे। ठीक है भाई समझ गया। तो भाई ये हमने डिसाइड कर रखा है कि हमने गाड़ी को कैसा बनवाना है, अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे नहीं क्योंकि फिर सरप्राइज हमारा बिगड़ जाएगा भाई। और अभी जो हमारी और मॉडिफाई होने के बाद भाई और तो बोल ही रहे हैं कि भाई ऐसी हो जाएगी पूरे इंडिया में फर्स्ट, तो देखते हैं भाई कि आप कैसा करोगे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है, इतने कमेंट कर रहे हैं ना भैया ये करवा लो ये करवा लो ये करवा लो, पर हमने डिसाइड कर लिया कि क्या करवाना है, तो उनकी गाड़ी भी आएगी तो हम ऐसा बना के देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर रेफरेंस। बिल्कुल आप लोग भी आओ भाई बायर के पास, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और नंबर है भाई, ठीक है, और आओ अपनी गाड़ी को चमकवा के जाओ यहाँ से, बढ़िया भाई। आज अपने ब्लॉग चैनल के ऊपर भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए ना, तो ये जो मैं करवा रहा हूँ ये अपना 1 मिलियन सब्सक्राइबर का सरप्राइज है, मॉडिफिकेशन हो रही है आज अपनी गाड़ी के अंदर, मतलब आज से प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, चार दिन बाद इनको गाड़ी दे दूंगा, एक दिन बाद अपनी गाड़ी मिल जाएगी,
और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो, कैसी होगी गाड़ी यार? वैसे पता है कराता हूँ, पहले देते हैं लेकिन हम पता है क्यों रुके थे, पहले 1 मिलियन का वेट कर रहे थे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर आज ही हुए हैं, आज ही आ गए हम गाड़ी लेके कि कर दो अब इसको खत्म। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई सारी मेजरमेंट्स वगैरह हो गई है, सारी डिटेलिंग वगैरह भाई लोग ने ले लिया है। 4 दिन बाद मिलते हैं भाई। 4 दिन बाद बस, अब 4 दिन काटने हैं। न्यू लुक, वन इन इंडिया ऐसी BMW, वन इन वर्ल्ड। यस ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर। 4 दिन बाद का इंतजार रहेगा भाई साहब। अभी देखते हैं कि अपनी लाडो कैसी हो जाएगी। विनय मैं दिखा दूं क्या, हमने जो सेलेक्ट कर रखी है मॉडिफिकेशन? नहीं, ऑडियंस को दिखा दूं। सरप्राइज, मेरे को 1 मिलियन का सरप्राइज। सरप्राइज रखेंगे, ग्रैंड डिलीवरी करेंगे। चलो सरप्राइज रखते हैं भाई, सब्सक्राइबर्स के लिए। बिल्कुल भाई, ग्रैंड डिलीवरी बिल्कुल। ओके भाई, सी यू। सारे लोग अगर बोल रहे हैं सरप्राइज रखना है तो सरप्राइज ही रखते हैं, है ना? तो भाई लोग, ये 1 मिलियन का सरप्राइज आप लोगों के लिए, जो 4 दिन के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। तो भाई जाते जाते भाई ने एक मेरे को चीज सजेस्ट करी कि जैसे अपनी जो XUV है, यहाँ से थोड़ी सी लगी हुई है, बम्पर से थोड़ी सी लगी हुई है और इस साइड से भी थोड़ा सा ये है, तो ये भी सही कर दोगे आप? बिल्कुल भाई, पेंट वर्क हो जाएगा इसमें, बिल्कुल जेन्युइन कंपनी पेंट। तो ये मैं कब छोड़ू आपके पास? ये आप संडे को दे दूंगा। संडे को? फ्राइडे ऑफ होता है ना आपका? हाँ जी, फ्राइडे ऑफ होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये 1-2 दिन में ये भी छोड़ जाऊंगा। इसमें वैसे कुछ है नहीं खास, छोटा मोटा है, जैसे ये है। ये पता है क्या हुआ था, हम जा रहे थे हिमाचल, पहाड़ से पत्थर गिरा था। ये भी पेंट पे ही है। हाँ भाई, पहाड़ से पत्थर गिरा, यहाँ लगा था पत्थर, यहाँ था या उस साइड था, उसके बाद यहाँ पे टच होके इस पे ना टचिंग करा देंगे पूरा पेंट, तो बोनट ना ही कराओ। हाँ। रहने तो बोनट ना, जो कंपनी का देखो होता है। यहाँ गिरा था पत्थर, देखो वो रहा कोने में दिख रहा है, वहां से गिर के यहाँ गिरा वो पत्थर का पूरा। इस पे तो टचिंग कर देंगे, बाकी ये पैनल तो आपका पेंट हो ही रहा है, ये उसमें कवर हो जाएगा। का बोनट ना पूरा रीपेंट में आ जाएगा, अगर पूरी गाड़ी रीपेंट में। नहीं नहीं, मत छेड़ना, बोनट नहीं करेंगे, ऐसे ही कह रहे हो आप, बस इसको थोड़ा सा कर देंगे। ठीक है भाई, फिर इसको भी करवाते हैं, फिर संडे को देते। मैं एक काम करूँगा, BMW देने से ये कितने दिन का काम है इसका? ये भी 2 दिन, ये 2 दिन का काम है, तो पहले इसको करवा लेता हूँ ताकि फिर उसके बाद BMW दे पाऊँ। ये मेरे को संडे को दे दो। ठीक है भाई, चलो भाई बाय बाय, सी यू, टेक केयर भाई। एक बार ये देख लो, सुपर कार लेके मेरे को मार्केटों में घुसना पड़ता है, क्योंकि मेन हाईवे टूटे पड़े हैं, तो मेरे को ऐसे अंदर के रस्तों से लेके जानी पड़ती है, ऐसे भसड़ वाले इलाकों में से, देख रहे हो। और ये हाल है गाइस गुड़गांव का। गुड़गांव नो डाउट बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो रखा है, बहुत एरियाज काफी डेवलप्ड है, लगता ही नहीं है कि इंडिया है, बट यार कई एरियाज ऐसे है ना मेन गुड़गांव के अंदर भी कि समझ नहीं आता है कहाँ है हम लोग। अभी जैसे देख लो आप, मेन हाईवे टूटा पड़ा है पूरा और मैं कहाँ अंदर घुसा के गाड़ी चला रहा हूँ। तो भाई अभी हाईवे पे रुक गए हैं, जो बार बार हम ब्लॉग में दिखाते हैं ना कि ये वो लगता है फॉरेन वाला हाईवे, GTA वाई सिटी वाला, वही वाला हाईवे है ये। इस तरफ देखते हैं क्या है इसके। ओ भाई, इस तरफ तो ये नीचे कुछ भी नहीं है, और इधर देखो भाई एक नंबर नज़ारा आ रहा है। ये पीछे XUV है, ये अपनी लाडो है। अभी एक रील यहाँ भी बनवा लेते हैं अच्छी सी। तो भाई इस हाईवे पे हमने ना, जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे हम, जब ये हाईवे हमने देखा था तो हमने सोची थी कि इस हाईवे पे फोटो और रील करेंगे बढ़िया बढ़िया, तो फोटो तो विनय ने ले ली और रील मैंने बना ली। विनय सही बनी है रील वो जो भी बनाई है? गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रहा मेरा यूजर नेम, यहाँ पे आप बढ़िया बढ़िया फोटो और रील्स देखने को मिलेंगी आपको, तो जल्दी से फॉलो कर लो भाई। बाकी भाई एक नंबर व्यू है, सनसेट हो रहा है हमारे पीछे, बढ़िया एक नंबर। ओ माई गॉड, प्रोटीन चेक पिएगा या ये सच में दही बनाने के चैलेंज इसने एक्सेप्ट कर लिया क्या मेरा? तगड़े तरीके से, रोज नहीं देख रहे उस वोट भाई साहब। आज तक भी ना हम इसको बोलते थे इतने 2 साल से 1.5 साल से कि सही हो जा, लेकिन जिस दिन से मैंने इसको बाइक का लालच दिया, देख लालची, बाइक के लालच में नहीं, मैंने 2 साल पहले भी कर रहा होता तो आज हाँ कुछ हो गया होता। लालची है भाई तू, एक जगह आया ना इसलिए, बाइक का लालची है भाई तू, तो टैग लालची है भाई। गाइस कमेंट करके बताओ ये लालची है ना, इससे पहले भी बोलते थे हम इसको, लेकिन इसने कभी कुछ भी अप्लाई नहीं करा अपने ऊपर। जैसे ही मैंने बाइक का चैलेंज दिया हो गया शुरू बादाम खाने और ये केले खाने के लिए। कोई नहीं, तू कर अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से अभी भी खुला चैलेंज है। बाकी गाइज अपनी लाडो हमने इस साइड पार कर दी, क्योंकि देखो यहाँ पे पेड़ नहीं है तो कुछ झड़के इस पे गिरेगा नहीं। पहले हम वहाँ घर के नीचे लगाते थे ना, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, ऊपर से पेड़ पे से झड़ झड़के सब कुछ गिरता था, गाड़ी गंदी होती थी, गाड़ी का हुड गंदा होता था। भाई ड्रैग रेस करके वापस घर आ गए और अभी वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो गया आज से, तो आज वर्ल्ड कप का पहला मैच है, देखते कौन जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगी या फिर न्यूजीलैंड जीतेगी। बढ़िया थकान हो रखी आज। बाकी आप लोग बताओ कौन जीतेगा आज वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच है, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, क्या बोलते हो? भाई मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड। अच्छा न्यूजीलैंड ने 100 रन बना भी लिए,
मेरे हिसाब से तो न्यूजीलैंड जीतेगी भाई, देखते हैं बाकी क्या होगा। भाई साहब अभी चल रहा है टेबल टेनिस, अबे तेरे बस की कुछ नहीं, अबे हटना दो, खेलने नहीं देते। अब आएगा एक्सपर्ट, चल भी ना, चल भाई उसने दो बार आउट हो चुका अपने पाले में ही मार के। चल अब की बार, हाँ स्टार्टिंग से है, चल 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 स्टार्टिंग से है। ओ भाई मेरा पॉइंट हो गया 1-0, उसका हो गया, उसका 1-1। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों क्या हुआ, बाय 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 बाय, अभी हम खेल रहे हैं, तू करवा ले। यस 2-1। चलो भाई अभी मैं ब्लॉग बाद में बनाऊंगा, पहले मैं टेबल टेनिस खेल लेता हूँ। तो गाइस मैं तो अच्छा खासा सो गया था, लेकिन पप्पू मामा के इतने फोन आए मेरे पास, क्योंकि आज पप्पू मामा का बर्थडे है और हमें जाना है पप्पू मामा के बर्थडे में। तो चलो पप्पू मामा के पास चलते हैं पप्पू मामा के बर्थडे में, और पूछेंगे आज की एक्चुअल में पप्पू मामा की एज क्या हो गई। तो भाई मैं और विनय निकल गए हैं, मैंने विनय को भी साथ ले लिया है, क्योंकि भाई मैं और रखा हूँ नींदों में, अगर मेरे को नींद आई तो आते टाइम विनय ड्राइव कर लेगा। और पप्पू मामा की बर्थडे पार्टी है द्वारका में, वेगस मॉल में, तो ये भी शुक्र है कि द्वारका यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से वही 25 मिनट के आसपास लगेगी। कहीं ज़्यादा दूर जाना होता तो फिर ये होता कि यार ठस्सा दे दो क्या पप्पू मामा को, जैसे पप्पू मामा वीडियो में हमें ठस्सा देते हैं, पर चलो अब तो निकल ही गए हैं। तो भाई लोग ये आ गए हम वेगस मॉल में, अभी हमें जाना है पप्पू मामा की बर्थडे पार्टी, जो कि है 4th फ्लोर पे इम्परफेक्टो लॉन्ज में। भाई ये वेगस मॉल काफी अच्छा मॉल है यार, चेकिंग होगी हमारी अभी, ये देखो भाई ये चेक करेंगे अभी बाबूजी, एक बाबूजी आगे चेक करेंगे। विनय पप्पू मामा की बर्थडे पार्टी में डांस करना पड़ेगा तेरे को। बिल्कुल भाई करूंगा, तेरा डांस रिकॉर्ड होएगा व्लॉग में आज। देख लो भाई गाइस इसने कमिटमेंट दी है 1 मिलियन की, मैं करेगा तू अब 1 मिलियन में सरप्राइज है तेरा, ऑडियंस के लिए डांस करेगा तू। ठीक है, हैप्पी बर्थडे पप्पू मामा। धन्यवाद भांजे। भाई आपकी एज क्या होगी भाई? 34। 34 होगी एज। इन्हें डांस कर भाई, मूर्त बनाने दे। ये गाए बार बार दिन, ये गाए बार बार दिन, ये गाए। हैप्पी बर्थडे पप्पू मामा। हैप्पी बर्थडे टू यू पप्पू, हैप्पी बर्थडे टू यू पप्पू। तो गाइस वापस आ गए हैं यार बर्थडे पार्टी से, पूरी रात हो रखी है, मतलब 3 बजे हो गए रात के, बहुत थकान हो रखी है, टेंशन इस बात की, अभी ब्लॉग भी एडिट करना है यार। तो चलो भाई अभी ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं, कल मिलेंगे सुबह 11 बजे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, खुश रहो सारे और बोलो जय श्री राम, बाय। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮਾਰਾ ਬੋ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਜਾਚੀ ਦੀ।